मैं संगीता पाल आप सभी को अपने जीवन की एक बहुत बड़ी घटना के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने जो मुकदमा भरत पाल जो वसाई का रहने वाला है उसके खिलाफ जो मुकदमा पवीना थाने में लिखवाया था वह मुकदमा पवीना विधायक राजीव सिंह परीक्षा और आशीष उपाध्याय के कहने पर लिखवाया था, जिन्होंने अपने लाल कलर की गाड़ी भेजी थी जिसकी नंबर प्लेट रास्ते में खींची। पवीना विधायक राजीव सिंह परीक्षा ने मुझे 15 लाख रुपए और नौकरी देने का प्रलोभन दिया। रश्मि पाल जो भरत पाल की पत्नी है, सुनने में आया है कि उनकी छोड़ छुट्टी हो गई है जिससे भरत पाल उसे रखता नहीं है। जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी नौकरी और पैसे दिलाने की, मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझसे इतना बड़ा काम कराने जा रहे जिससे मेरा सारा जीवन खराब हो जाएगा। आशीष उपाध्याय जिन्होंने मुझसे ये कहा कि भरत पाल को 1 साल जेल में बंद रखना है जब तक विधायक का चुनाव नहीं हो जाता, मुझे नहीं पता था कि राजनीति क्या होती, इनके षड्यंत्र क्या होते। मुझसे कहा कुछ और करवाया कुछ और। मैं किसी का राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए किसी का इस तरह जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। मैंने अपने करियर से दूसरे के करियर की जब तुलना करी तो मैंने सोचा मुझे नहीं चाहिए किसी के पैसे और नौकरी। मैं किसी का जीवन इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकती। भरत पाल ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस साजिश का वो शिकार हो गया रश्मि पाल जो जिन्होंने मुझे अपने झूठे प्रलोभन में फंसा कर जिस तरीके से जाल बिछाया, भरत पाल बदनाम हो गया और मुझे भी इस तरीके से बदनाम कर दिया। मैं अपनों के बीच में एक पहेली बनकर रह गई। रश्मि पाल जो अभी फेसबुक के माध्यम से मुझे
बदनाम कर रही हैं। इन्होंने प्रियंका भारती को भी झूठा बदनाम किया। मैंने रश्मि पाल और कल्पेश बघेल इन दोनों की रिकॉर्डिंग जब सुनी तब मुझे सच्चाई का पता चला। तब तक मेरे द्वारा किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई थी डिप्रेशन में आके। मैं घर से चली आई, मेरी वजह से। मैं नहीं चाहती थी कि इस तरीके से किसी का जीवन बर्बाद हो। अपनी फ्रेंड के घर आ गई और मैंने मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी का जीवन बर्बाद हो। मैंने एफिडेविट लगा दिया और भरत पाल के खिलाफ जो मुकदमा लिखवाया था वो वापस ले लिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं रश्मि पाल से ये कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरे परिवार वालों का मेरा विश्वास जीतकर किसी के राजनीतिक लाभ के लिए पैसे की लालच में आकर मेरे द्वारा इतना घृणित काम करवाया है, उसके लिए तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। तो शुक्र है भगवान का कि मैंने तुम्हारी और कल्पेश की रिकॉर्डिंग सुन ली और तुम्हारे बारे में सच्चाई पता चल गई। वरना जैसी तुम हो तुम मुझे भी इसी दलदल में फंसा देती। मैंने तुम्हारे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। और तुम जो फेसबुक के माध्यम से जो सोशल मीडिया पर जो ऊट पटांग मेरे प्रति जिस जिस लालच में और प्रलोभन में आके तुमने मेरी इज्जत को उछाला है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने तुम जैसी घटिया और नीच औरत अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। तुम किसी को पैसे के लिए कितना भी नीचे गिर सकती हो। रश्मि पाल तुम्हारी सच्चाई मैं सबके सामने ला कर रहूंगी।